नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से, जहां पर एक और बड़ी जानकारी, स्कूल बस पलट गई, बड़ा हादसा, करीब 22 का हालात ठीक नहीं है, प्रिंसिपल, ड्राइवर और स्कूल सचिव गिरफ्तार कर लिए हैं, नारनौल डीटी और सेक्रेटरी भी सस्पेंड किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में यहां करीब 11 अप्रैल के शाम ये बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि घायलों की सूचना आज भी अस्पताल से मिली है, जहां पर 2 की संख्या और बढ़ गई, कुल 6 की बताया जा रहा है कि मृत्यु होना पाया गया है। महेंद्रगढ़ के कस्बा कमीना से स्थित जीएल पब्लिक स्कूल ईद पर छुट्टी के बाद भी खुला था। गुरुवार सुबह बस करीब 35 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, इसी बीच गांव उन्हाई के पास हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मौके पर 5 लोगों की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि आज अस्पताल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिनकी पहचान सत्यम, युवराज और 2 सगे भाई यशु व अंशु, वंश और रिंकी के रूप में पहचान हुई है। इनमें 4 एक ही गाँव झाड़ली के हैं। सभी राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के भांजे, पूर्व सरपंच शर्मा के पुत्र भी शामिल हैं। फिलहाल जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की और यहां पर स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल बस ड्राइवर सभी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में बस का एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट भी मिला है, फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था, इसी बीच ये हादसा हुआ। फिलहाल जानकारी के मुताबिक बस में करीब 35 बच्चे सवार थे, जिनमें 22 के अभी भी हालात ठीक नहीं है, 6 की सूचना मिल चुकी है। कार्रवाई जारी है।